नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमने लेसन नंबर 12 में जाना कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किस किस को ज़रूरी तौर पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेसन नंबर 13 में हमने समझा कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, स्वेच्छा से क्यों कराते हो आप रजिस्ट्रेशन, उसके क्या फ़ायदे हैं। आज लेसन नंबर 14, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। आज आपको इस वीडियो में पूरी पूरी जानकारी होगी कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं, ऐसे कौन सी सप्लाईज हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट है रजिस्ट्रेशन कराना, और पूरी डिटेल हम आज इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ऐसे कौन से कारोबार हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है जीएसटी के अंतर्गत। तो ये पांच ऐसे कैटेगरी हैं जिनको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्ट है। तो सबसे पहले एग्जेम्प्ट सप्लाईज, पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा पर्सन जो भी एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज में कारोबार करते हैं, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज जहाँ एग्जेम्प्टेड होता है वहाँ पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट में एग्जेम्प्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर ओनली, इसमें सिर्फ पर्पस होना चाहिए एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को अभी और हम थोड़ा डिटेल में समझें तो इसमें एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। तो पहला है हॉर्टिकल्चर, ये इंक्लूड किया जाता है, हॉर्टिकल्चर इंक्लूड किया जाता है, सेरिकल्चर, राइजिंग ऑफ क्रॉप्स, ग्रास, गार्डन प्रोडक्ट, ये सब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। दूसरा नॉट इंक्लूड, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, सबसे पहला डेयरी फार्मिंग, दूसरा पोल्ट्री फार्मिंग, तीसरा स्टॉक ब्रीडिंग, चौथा गैदरिंग ऑफ फ्रूट, पांचवा रेयरिंग ऑफ सीडलिंग, और छठवा प्लांट्स, ये सब एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आता। तो ये हो गई एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन समझ ली हमने, तो एग्जेम्प्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर ओनली, इनको भी जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, एनी मल्टी लेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947। ऐसे कारोबार जो किसी भी तरह से यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो नोटिफाइड है यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947 के अंतर्गत, तो इनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथा एम्बेसी, कंसुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज, भारत में जितने भी बाहरी देशों के एम्बेसी हैं उन सारों को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से मुक्ति दी गई है। पांचवा है नोटिफाइड पर्सन, एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड, कमिश्नर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत हो सकता है जो कि जीएसटी बोर्ड के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा, इनमें से कोई भी निर्धारित कर सकते हैं कि कोई भी कारोबार या कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन से मुक्त है। ऐसे कारोबारी या व्यक्ति को नोटिफाइड पर्सन कहा जाता है। तो ये पांच कैटेगरी हैं जिन जो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे ऐसे कौन कौन से कारोबार हैं जो कि जीएसटी के अंतर्गत एग्जेम्प्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।